फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस आज जुमा है, आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। सो फ्रेंड्स जुमे के दिन सूर्य का पढ़ना ना भूले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जुमे के दिन। आप चाहे तो सूर्य आसन भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो दुआ मंजिल भी सुन सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे दुआओं को कंबाइन करके दुआ मंजिल बनाया गया है। दुआ मंजिल सुनने से घर में जितनी भी बलाएं हैं, शैतानी हरकतें हैं, सारी दूर हो जाती है, घर में बरकत होती है, घर में रोशनी होती है। और अगर घर में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो दुआ मंजिल पढ़िए, सुनिए, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। मैं भी सुनती हूँ, मैंने आज भी सुना है। और आप चाहे तो इसे रोज भी सुन सकते हैं, और आप चाहे तो जुम्मा जुमेरात की भी सुन सकते हैं। और आप ये चीज़ शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। सो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जस्ट अभी नहा के निकली हूँ, मेरे बाल गिले हैं और अभी बज रहे हैं अराउंड 12:30। एंड गाइज आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। बिरयानी मैं बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरे हाथ की बिरयानी मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद। वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अच्छा बिरयानी बनाना तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मेरे बैल्कनी में बहुत दिन से एक मेहमान बैठा हुआ है, तो मेहमान से आपसे मिलवाना चाहती हूँ, तो चलिए मिल लीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे मनी प्लांट के गमले के ऊपर एक कबूतर बैठी है, उसने 3 अंडे दिए उसके अंदर, और अभी कुछ दिनों में शायद उसका बच्चा भी हो जाएगा। तो बहुत दिनों से ये एक्चुअली बैठी हुई है, और मेरा जो गमला था बहुत ज़्यादा हरा भरा था मेरा मनी प्लांट। जब से ये आके मतलब कबूतर बैठ गई है, तब से मेरे जो मनी प्लांट है वो धीरे धीरे सूख रहे हैं। तो मैंने इसमें से कम 2-3 डंडियाँ मैंने निकाल के अलग गमले में मैंने लगा दिया है, ताकि इनकेस अगर ये मेरा सूख जाता है तो मेरा जो दूसरा गमला है वो थोड़ा हरा भरा हो जाएगा। सो गाइज़ मैं इस कबूतर को अब हटा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसने अभी उसमें घोंसला बना लिया है, और जहाँ पे वो बैठी है वो पूरा खाली हो गया है उस साइड का। ये थोड़े बहुत ही इधर है, जैसे कि आप देख, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। और वहाँ पे हम लोग मतलब ये कबूतर बैठे ना बैठे, उससे पहले से हम लोग यहाँ पे खाना पानी सब देते आ रहे हैं इसको। बाजरा बाजरा भी देते हैं हम उसको खाने के लिए, और बहुत सारे कबूतर भी आके खा के जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे सुबह सुबह। सो अभी देखते हैं कितने दिन तक इसके ऊपर बैठती है, इसलिए हमने गमले को थोड़ा साइड कर दिया है। बिल्कुल भी हम लोग उस तरफ नहीं जाते ताकि इसको डिस्टर्ब ना हो। फिर भी वो पता नहीं क्यों थोड़ा डर के उड़ जाती है कभी कभी, इनकेस अगर हम लोग यहाँ पे बालकनी में आते हैं वापस से आ जाती है। तो अभी ये शांति से यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा दूर हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, अब बहुत तेज़ हवा चल रही है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने दूसरे गमले में कैसे लगाया है। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा दूसरा बालकनी है, ये यूटिलिटी एरिया है एक्चुअली। यहाँ पे ढेर सारे बॉक्स सब सारी चीज़ रखी जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने रखा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कबूतर आते हैं जो गमलों को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो जैसे आप देख रहे हैं, ये मनी प्लांट है मेरा, इसको मैंने पहले पानी में रखा था, उसके जड़ें निकल आई, उसके बाद मैंने इसे लगा दिया है। मुझे प्लांट्स की बहुत ज़्यादा मैं शौक रखती हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ प्लांट्स लगाते रहती हूँ, भले से वो सूख जाए लेकिन मैं वापस दोबारा लेके आती हूँ। तो ये भी जो है बैम्बू, ये पहले पानी में था बहुत, मतलब इसकी जड़ वड़ निकल गए थे, उसके बाद मैंने इसे मिट्टी में लगा दिया है। और ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, मुझे छोटे प्लांट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहाँ पे एलोवेरा है, ये तुलसी है, तुलसी भी बहुत छोटा था, इतना छोटा था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये भी प्लांट मैंने बहुत टाइम 1 साल पहले लेके आई थी, बहुत छोटा सा था जैसे ये है, तो ये अब इतना बड़ा हो गया है माशाल्लाह से। और वो रोज़ का है, तो कभी कभी निकलता है, अगर आपके घर में भी रोज़ का प्लांट होगा आप देखेंगे जब लेके आते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद दोबारा वो सूख जाता, फिर दोबारा कुछ नहीं होता उसका, देखते हैं। मैंने फिर भी अभी तक रखा है, इन केस अगर मौसम चेंज हुआ तो क्या पता वो हरा भरा हो जाए, फिर उससे कुछ पत्तियाँ निकलने आए। सो गाइज ये था मेरा छोटा सा गार्डन एरिया, तो मैं कुछ दिनों में और भी प्लांट्स लगाऊंगी इंशाल्लाह, मुझे प्लांट्स के वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अपने बालों को कॉम करने के लिए। मेरे बाल जो है हल्के से गिले, हल्के से सूख गए हैं, तो मैंने नेचुरली सुखाती हूँ, बिल्कुल भी ड्रायर यूज नहीं करती हूँ। और मेरे बालकनी में धूप आता तो मैं जाके वहाँ पे बैठ जाती हूँ, ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो जितना हो सके उतना नेचुरली अपने बालों को सुखाइए, ड्रायर से बाल थोड़े से खराब हो जाते हैं, नेचुरली बाल सुखाएंगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। सो गाइज अभी मैं अपने बालों को कॉम करके उसके बाद मैं जाऊँगी कुरान शरीफ पढ़ूंगी, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो बिरयानी की तैयारी मैंने थोड़ी बहुत कर ली हूँ पहले से, जैसे कि मैंने चावल 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, और मैंने चिकन भी अच्छे से साफ कर लिया है, सारी चीज जितने भी मसाले थे सब कुछ प्याज बस काट वाट के सब कुछ रख दिया है, बस बिरयानी बनाने की देरी है। सो गाइज बिरयानी की जब मैं बनाऊंगी तो उसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको बिरयानी बनाने नहीं आता है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी बिरयानी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मेरे घर वालों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए आप कुरान शरीफ पढ़ लेते, उसके बाद मैं बिरयानी बनाऊंगी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसबिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़िल मालिकुल कुद्दूस।
सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने चावल को 1 घंटा पहले से भिगो कर रख लिया था। यहाँ पे मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गरम मसाला ले लिया है। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है और यहाँ पे मैंने मिर्च ले लिया है, लौंग लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची 1 लिया है, स्टार ले लिया है, 1 दालचीनी लिया है। तो ये सारा चीज़ मैं गर्म पानी के अंदर डालूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है 1 पतीली में। जब हमारा पानी बहुत ही अच्छे से बॉइल्ड हो जाए उसके अंदर हम ये जो सारा गर्म मसाला वो डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर पुदीना डाल लिया है। पुदीना का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है चावल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1/2 लेमन डाल दिया है। लेमन डालने से आपके चावल खिले खिले रहेंगे और तेल डालने से आपके चावल चिपकेंगे नहीं, तो तेल डालना मत भूलेगा। और यहाँ पे मैंने 2 मिर्ची बीच में से कट करके डाल दिया है और 2 चम्मच में यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो आप जितना चावल लेंगे उस हिसाब से इसमें नमक डालिएगा। यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर डाल दिया है, अगर आपके पास अवेलेबल है डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद इसके अंदर मैंने जो मेरा जो चावल था उसमें जितना भी पानी था सब पानी निकाल के उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब अच्छे से इसे चला लीजिए, ठीक है। जब ये 80% कुक हो जाए, मतलब आपका 8 से 9 मिनट तक ये कुक हो जाए, उसके बाद से इसका जो गैस ऑफ करके इसका पूरा पानी छान लीजिए, इसको अलग से निकाल दीजिए। तो यहाँ पे मेरे चावल बहुत ही खिले खिले बने हुए जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने सेम पतीली लिया है जिसमें मैंने चावल बॉईल किया था। तो यहाँ पे मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरा जो प्याज है गोल्डन ब्राउन हो गया है, उसे मैंने अलग से निकाल लिया है। बहुत ही क्रिस्पी ये गोल्डन ब्राउन हुआ है। उसके बाद मैं इसके अंदर मैंने 2 आलू को बीच में से कट करके उसे भी फ्राई करके निकाल लिया। तो मेरे हस्बैंड को आलू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिरयानी में। उसके बाद यहाँ पर मैं यखनी के लिए ये सारा मैंने मसाला जमा किया है। तो यहाँ पर मैंने सौंफ, जीरा, मिर्च, लौंग, इलायची, जैसे आप देख रहे हैं तेज़पत्ता, और यहाँ पे मैंने स्टार सब कुछ ले लिया। आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिया है, तो आप उस हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक ज़्यादा लिया है। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद है। हमारे घर में थोड़ा तीखा पसंद है इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो इसके बाद हम ये सारी चीज़ों को पीस के रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने सेम पतीली में जो मैंने तेल था उसी में मैंने 1 प्याज बारीक कट करके डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। जब ये आपका प्याज हल्का लाइट ब्राउन हो जाए उसके अंदर जो हमने चिकन अच्छे से वॉश किया था उसे हम डाल देंगे। और चिकन में पानी ना रहे ये ध्यान रखिए, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी पानी छोड़ता है तेल में जाने के बाद। तो यहाँ पे जितना भी आपका पानी इसके अंदर निकलेगा आपको फास्ट फ्लेम में जला लेना है ताकि आपके चिकन में बिल्कुल भी स्मेल ना आए। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो जो भी आपके पास पाउडर मसाले हैं वो इसके अंदर आप डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है और जो घर का जो गर्म मसाला था वो भी मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया था। तो इन सबको अच्छे से चला लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर कट करके डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने फास्ट फ्लेम में टमाटर को अच्छे से मैं गला लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर बहुत ही अच्छे से गल गया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर फ्राई किया हुआ आलू डाल दिया है। एंड फ्रेंड्स, आप इसके अंदर एक देगी लाल मिर्च आता है या तो कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं आई थिंक, जो कलर छोड़ता है मसाले में, वो डालना ना भूलिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। अब मैंने यहाँ पे जो मसाला पीसा था आपको पहले दिखाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और मैं यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक ढक के इसे पका लूँगी। तो 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पर जो है मेरा जो चिकन है वो उसका मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है और उसके मैं अच्छे से चला लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। तो दही बहुत ही अच्छे से मैंने फेंट लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो जब भी आप दही डालें तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें या तो स्लो कर दें। अगर फास्ट फ्लेम में आप डालेंगे तो दही के फटने के चांसेस होते थे। यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ेगा। आप जब बिरयानी की यखनी बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, उसमें उतने में ही पकाइएगा। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 मिनट, ज़्यादा से 5 मिनट इसे ढक के पकाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा जो 4 से 5 मिनट हो गया था, आप चाहे तो बीच में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत ही अच्छे से मेरा चिकन गल गया है, आलू गल गया है, मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया था, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चियाँ डाल दी हूँ बीच में से कट करके 3। और यहाँ पर मैंने जो प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था उसे मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया है। जो प्याज की जो गोल्डन ब्राउन प्याज की आप जब डालेंगे ना चिकन में लास्ट में, तो उसकी जो टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहे तो ऐसे भी नान से, रोटी से खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो गाइस, यहाँ पे मेरा बनके तैयार हो गया। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं सारा चावल उसके ऊपर डाल दूँगी। और जब चावल आपका उसके ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने प्याज जो ब्राउन था वो डाल दिया है। धनिया डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, जो भी आपके पास वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर यूज़ किया है, तो यहाँ पर मेरे पास रेड कलर था तो मैंने उसे डाल दिया है। और यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ।
देसी घी मैंने यहाँ पे मतलब गैस में थोड़ा सा पिघला लिया है, उसके बाद मैंने इसको बाजू बाजू में डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी फॉइल नहीं था कि मैं यहाँ पे इसे लगा लूँ, मैंने डायरेक्टली ऐसे ढक्कन से ढक के उसके ऊपर कुछ भी वजन चीज़ रख दिया। ऐसे मैं 20 मिनट्स रखूँगी और उसके बीच में मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रायता भी बना लिया था, रायता बहुत ही मज़े का बना था, बिरयानी के साथ रायता खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे मैंने रायता बनाते वक्त शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पे मैंने कचुम्बर भी बना लिया है और इसके अंदर मैंने प्याज, खीरा, टमाटर और मिर्ची, लेमन सब डाल दिया है, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब जितना कचुम्बर उसके लिए लूँगी और रायता उसके ऊपर डाल के उसे मैं मिक्स कर दूँगी। सो गाइज आप सब या तो मिक्स करके भी खा सकते हैं या तो रायता आप अलग से बिरयानी के ऊपर डाल के खा सकते हैं, दोनों ही बहुत ही मज़े के लगते हैं। मुझे हमेशा बिरयानी के साथ रायता बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे 20 मिनट्स हो गए हैं, तो 20 मिनट्स के बाद जैसे आप देख रहे हैं मेरा बिरयानी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मैं इन्हें अच्छे से मतलब नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे से मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी, तो आपको बहुत ही स्लोली मिक्स करना है ताकि चावल टूटे ना। तो यहाँ पे मैं सारे चावल बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बिरयानी को प्लेट में निकाल रही हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक प्लेट में बिरयानी निकाल लिया था, मुझे लग रहा था कि मैं शूट कर रही हूँ लेकिन जब मैंने बटन देखा तो बटन ऑन ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं फिर से मतलब बिरयानी निकालते हुए शूट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने गोल्डन फ्राई प्याज उसके ऊपर डाल दिया है, पुदीना और धनिया साथ में मैंने कट किया था तो उन्हें भी मैं डाल दूंगी। तो पुदीने का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मुझे पुदीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कोई भी नॉनवेज चीज़ बनता है। तो यहाँ पे जो है मेरा बिरयानी बनके रेडी हो गया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को आपकी फैमिली को बहुत ही अच्छा लगेगा। बस एक बार नमक और मिर्ची का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ बिरयानी बहुत ही मज़े का बना था, मेरे घर में बहुत ही पसंद आया, मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में टेस्टी था। एंड फ्रेंड्स हमने खाते वक्त शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और पता नहीं क्यों मुझे खाना खाने के बाद थोड़ी सी सुस्ती महसूस होती है। और उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किया, किचन साफ़ किया और मैं सो गई। और सो के जैसे ही मैं उठी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ, चाय भी मैंने पी लिया तो और ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए, रूबरू रिव्यू चैनल के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहीं पर अपना व्लॉग मैं एंड करूँ, और मैं यहाँ पे कुछ रील्स भी बना रही हूँ जिसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। आप चाहें तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे रील्स देख सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छी रील्स बनाती हूँ। सो गाइज आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी? हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मस्त लगी और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और अगर आपको रायते की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रायता बनाना भी अलग से सिखाऊंगी। और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, बिरयानी के साथ रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आई नो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी। सो फ्रेंड्स अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी कोई और रेसिपी जिसे आप जानते हैं बनाना तो मुझे कमेंट कीजिएगा, टैग कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं वो बनाऊंगी और आपका नाम भी मेंशन करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइएगा। बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।